अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सादत तबस्सुम है, मैं MBA की तालिबे इल्म हूँ माशाल्लाह से। मेरा सवाल यह है कि अगर माँ बाप हमको हिजाब करने से रोकते हैं तो हम किस तरह इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं बिना माँ बाप को तकलीफ पहुँचाए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन, माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, जो आज के हमारे हालात हाजिरा के हिसाब से बड़ा अहम सवाल आपने किया कि अगर माँ बाप हिजाब करने से आपको रोकते हैं तो हम उसको किस तरीके से हमको डील करना चाहिए, यानी हमको हिजाब भी करना है और माँ बाप के इस हुक्म को नहीं मानते हुए ऐसा भी हो कि हम उनको तकलीफ भी ना दे, यही आपका सवाल है। हिजाब करना चाह रही हैं आप, लेकिन माँ बाप रोक रहे हैं, और कैसा हम इस सिचुएशन को डील करें, इन हालात को डील करें ताकि माँ बाप को भी तकलीफ ना हो। बहन देखिए, हिजाब का जो मसला है इस्लाम में, सबसे पहले आइए हम ये जानते हैं कि हिजाब का हुक्म कहाँ आया है। अल्लाह सुबहान तआला ने कुरान मजीद में सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 और सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में फरमाया है। अल्लाह सुबहान तआला इन दो आयात में बुनियादी तौर पर हम इंसानों को हिजाब का हुक्म देते हैं। सूरह नूर की जो आयत मैंने बताई, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31, 30 आयत नंबर 30 में मुसलमान मर्दों को हिजाब का हुक्म दिया अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा कि अपनी निगाहों को नीची कर लो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। ये मुसलमान मर्द का अल्लाह ने इस आयत में हिजाब बताया है। मुसलमान औरत के लिए आयत नंबर 31 में अल्लाह ने कहा, वकुल लिल मुमिनाती यगज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हु। अल्लाह इस आयत में फरमाते हैं कि तुम मुसलमान औरतों को, अल्लाह फरमाते हैं कि तुम अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो और अपनी जीनत को जाहिर ना करो, अपने सीनों पर, कुरान की आयत है ये, अपने सीनों को ढांको और अपनी जीनत को जाहिर ना करो, अपनी ब्यूटी को, अपनी खूबसूरती को, अपनी ब्यूटी को जाहिर ना करो सिवाय अपने बाप के सामने, सगे बाप के सामने, सगे बेटे के सामने। एक फहरिस्त अल्लाह ने इन आयत में दे दी है। इसी तरीके से सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में भी अल्लाह सुबहान तआला ने हुक्म दिया है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लिल या अय्युहन नबीयु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ली अज़वाजिका अपनी बीवियों को हुक्म दीजिए, व बनातिका अपनी बेटियों को हुक्म दीजिए, व निसाइल मुमिनीना और ईमान वाली मुसलमान औरतों को हुक्म दीजिए कि जब वो अपने घरों से बाहर निकलें तो अपने आप को सर से लेकर पांव तक ढांक लें। तो ये मुख्तसर में हिजाब का तारुफ कुरान की आयत से हमको मिलता है। अब जैसा आपका मसला है, आपने जैसे कहा, और ये अफसोस की बात है कि अगर मुसलमान माँ बाप हिजाब पहनने से रोकते हैं तो ऐसी सूरत में क्या करें। बहन माशाल्लाह, मैंने अपनी तकरीर में बहुत ही वाज़ेह तौर पर एक कुरान की आयत कोट की है, हो सकता है आप उस वक्त मौजूद नहीं थी। अल्लाह सुबहान तआला ने सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 36 में कहा है, जिनको अगर ये आयत फिर से, अगर इसका मफहूम याद नहीं है तो मैं फिर से दोहरा देती हूँ। अल्लाह फरमाते हैं, एक जनरल रूल अल्लाह सुबहान तआला हमको दे रहे हैं कि किसी भी मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत के लिए जायज नहीं है कि वो अपने लिए कोई ऐसा हुक्म माने जबकि उस हुक्म पर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला सुना दिया हो। समझ में आ गया आपको? अल्लाह सुबहान तआला ने क्या कहा मुसलमान औरत को कि हिजाब करें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा हिजाब करें। अब अगर माँ बाप कहते हैं कि हिजाब ना करो तो हम क्या करेंगे, आप बताइए? नाफरमानी करेंगे कि फरमाबरदारी करेंगे? नाफरमानी करेंगे, क्योंकि ये वादा, ये कहा किसने हमको? अल्लाह ने फरमाया है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क्या कहा, शेख नासिरुद्दीन अलवानी की जो मैंने आपको हदीस बयान की है सिलसिलतु सही हदीस नंबर 179 और हदीस नंबर 181 में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी भी इंसान के लिए जायज नहीं है कि वो ऐसा हुक्म माने जो हुक्म टकराता हो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी हुक्म से। और आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि हिजाब इस्लाम में इतना अहम मसला है कि शेख बिन बाज रहीमुल्लाह, जो बहुत बड़े आलिम दीन हैं, वो कहते हैं, उनके फतावा नंबर 8487 में, 8487 में उनका फतवा ये है, ए वुमन हु सेज दैट हिजाब इज नॉट कंपल्सरी इज ए डिसबिलीवर। अल्लाह ऊपर, इसका तर्जुमा बोल देती हूँ आपको,
जो औरत ये कहती है कि हिजाब उसके लिए फर्ज नहीं है, वो एक काफिर है, उसने कुफर किया, वो एक काफिर है। आप लोग खुद सोचिए, जब अल्लाह ने एक हुक्म हमको दे दिया है, चाहे माँ बाप उसके खिलाफ जाएं, चाहे दोस्त अहबाब खिलाफ जाएं, तो हम क्या करेंगे? माँ बाप की इताअत इस मसले पर नहीं करेंगे, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाएंगे। और आप लोग देखिए, अगर मुसलमान माँ बाप कहते हैं कि हिजाब ना करो, अल्लाह ना खास्ता, मैं एक बहुत ही हाइपोथेटिकल बात कह रही हूँ, आज के मुआशरे में तो कम कपड़े पहनने का बड़ा फैशन है, अस्तगफिरुल्लाह, जितने कम कपड़े पहनेंगे तो उतनी ज्यादा औरत मॉडर्न है। तो अगर माँ बाप अब कम कपड़े पहनने का हुक्म देंगे, नऊज़ बिल्ला, जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज में पहनते हैं, तब क्या उनकी बात मानेंगी बहने? तो उसी तरह जब उनके लिए नहीं मानेंगी, तो हिजाब के लिए भी हम नहीं मानेंगी, क्योंकि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। अब असल मसला हमारे मुआशरे में दो तरीके के हैं हिजाब के मसले पर। एक, अगर माँ बाप आपको घर से बाहर निकलने के लिए भी हिजाब करने का हुक्म नहीं देते, अरे भाई बुरखा मत पहनो, ऐसी कई बच्चियां हैं जो हिजाब करना चाहती हैं, लेकिन माँ बाप ही रोड़ा बनते कहते हैं कि मत करो, तुमको लोग क्या बोलेंगे, क्यों कर रहे हो भाई हिजाब, ये पहले जमाने की बातें हैं, नऊज़ बिल्ला। तो माँ बाप एक तो कहेंगे कि घर से बाहर जब निकलो तो यानी बुरखा ही मत पहनो कहेंगे। दूसरे किस्म के मुसलमान माँ बाप ये हैं, तो बाहर निकलते वक्त तो तुम बुरखा पहन लो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब अपने खलेरे भाइयों के सामने आओ, अपने मुमेरे भाइयों के सामने आओ, तुम्हारी बहन का भी निकाह हुआ है, तुम्हारे बहनों ही घर को आ रहे हैं, बहन भाई घर को आ रहे हैं, अब उनके सामने भी हिजाब करोगी, क्या सोचेंगे वो? क्या नऊज़ बिल्ला बहन भाई की क्या नीयत खराब है, वो ऐसा सोचेंगे? तो लिहाजा तुम उनके सामने हिजाब ना करो। सही बोल रही हूँ या गलत? देवर जेठ के सामने, जो जेठानी है, जो भाभियां होती हैं, वो हिजाब नहीं करती, क्यों? भाभी माँ है, कुरान हदीस के हिसाब से भाभी माँ नहीं है, भाभी गैर महरम ही है, यानी उनके सामने हिजाब करना फर्ज है। तो अगर हम कहते हैं नहीं भाई मैं देवर को अपने सगे भाई की तरह लेती हूँ, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देवर मौत है, देवर के सामने हिजाब करने की क्या जरूरत है, मैं अपने उनको छोटे भाई की तरह लेती हूँ, जेठ कहता है कि मैं अपनी भाभी को माँ की नजर से देखता हूँ, वो सब नजर सब गई कचरे के लिए। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया हिजाब करना है का मतलब करना है। और देखिए, हिजाब की सबसे अहम और आखिरी बात आप सबको मैं बताना चाहती हूँ, हिजाब के हुक्म की हद इस्लाम में क्या आप लोग जानते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बात आप सब दूसरों को जाकर बताएंगे। हिजाब करना मुसलमान औरतों पर फर्ज है, आप लोग सब जानते हैं। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 जो मैंने आपको अभी बताई है, आप लोग सोचिए कि जब अगर मुसलमान बहनें अपने कजिन्स के सामने हिजाब करने से शर्माती हैं, कजिन्स कहेंगे ओ आ गई उस्तादी माँ आ गई, ओ देखो बूढ़ी है ये तो, देखो हिजाब कर रही है, कोई किस्म का ये लोग मजाक करते हैं, वो एक मजाक उनको इस्लाम के बाहर कर देगा। और देखिए सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 में कितनी शिद्दत का हुक्म हिजाब का है, आप लोग सोचिए, और इस बात को दूसरों को जाकर बताइए, दूसरी माओं बहनों को बताइए, शोहरों को बताइए। अल्लाह सुबहान तआला हुक्म याद दे रहे हैं, आप लोगों ने गौर से सुना होगा, मैंने कहा कि अल्लाह फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों से कहिए, बेटियों से और मुसलमान औरतों से, कि वो हिजाब करें। आप लोग गौर कीजिए कि अब उम्महातुल मोमिनीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक दामन बीवियां जो हैं, वो किन के सामने हिजाब कर रही हैं? सहाबा के सामने। सहाबा कौन है? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे तकवे वाले सहाबी, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे तकवे वाले सहाबी, ये तमाम सहाबा के सामने उम्महातुल मोमिनीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हिजाब कर रही हैं। मसले का हिजाब की हद आप लोगों को समझ में आ रही है? उससे भी बढ़कर ये कि तमाम जो सहाबियात हैं, ये लोग किसके सामने हिजाब कर रही हैं? सहाबा के सामने तो हिजाब कर ही रही हैं। सहाबियात उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने भी हिजाब कर रही हैं, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के भी सामने हिजाब कर रही हैं, लेकिन उससे बढ़कर ये कि सहाबियात कायनात की सबसे आला मखलूक, अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हिजाब कर रही हैं। क्या हमारे देवर, हमारे जेठ, हमारे चचेरे भाई, मुमेरे भाई, इनका तकवा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर है क्या? नऊज़ बिल्ला। कि जब हम कहते हैं कि नहीं भाई इनके सामने हम हिजाब कैसे करेंगे, तो ये हिजाब के हुक्म की हद इस्लाम में है माशाल्लाह बहन। तो लिहाजा अगर इतना सब जानने के बाद भी आपके वालिदैन आपको हिजाब करने से रोकते हैं, और अगर आप वाकई हिजाब करती हैं माशाल्लाह, आपको तो अल्लाह की तरफ से अजर है। रहा जो दूसरा भाट आपने कहा कि बगैर तकलीफ दिए कैसे करें,
अगर आप इतना उनको सुनाने के बाद फिर भी उनको आपके हिसाब से तकलीफ होती है तो आप उनको अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, उसका आप पर कुछ भी मसला नहीं है, उल्टा उनको तकलीफ होने का भी गुना मिलेगा। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बाप है आदर, वो बुत बनाते थे, तराशते थे, बुतों की पूजा करते थे। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को नसीहत किया कि क्या कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया नबी हूँ, ए मेरे बाप, ए मेरे बाबा, आप लोग बुतों की पूजा मत करिए। तो बाप को गुस्सा आ गया, आया कि नहीं, पूरा वाकया हम जानते हैं। तो क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई अगर मैं अल्लाह की इबादत करूंगा, बाप को तकलीफ हो रही है, क्या करेंगे? हो रही है तो हम उनकी इस्लाह करेंगे, उनको बताएंगे कि इस्लाम के हुक्म कर तकलीफ होने का मतलब जानते हो, उसका एक ही रिजल्ट है, जहन्नम की आग। तो इंशाल्लाह आप बढ़ चढ़कर इंशाल्लाह हिजाब कीजिए। जब आप हिजाब कर रही हैं तो जितनी मुसलमान बहनों को आप जानती हैं उन सबको भी ये नसीहत कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने साहबियात हिजाब करती है तो आज हमारी क्या औकात है। उम्मीद है बहन आपका जवाब मुकम्मल हुआ।